नीमच के राजोदा स्थित जिला जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। विधिक साक्षरता शिविर में कैदियों की समस्याओं को सुना गया। कैदियों ने अपनी समस्याओं के साथ जमानत नहीं होने को लेकर आ रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया। नीमच जेल से कैदियों के भागने को लेकर जेल की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बाउंड्री वॉल बनाने के साथ इलेक्ट्रिक तार फेंसिंग करवाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी कहा गया। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वहां पर और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कलेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पांडे, एसपी चंद्रशेखर सोलंकी ने जेल का निरीक्षण किया। साथ ही जेल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। आज हमारे यहाँ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उनके साथ में जिला जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय और एडी के संरक्षण सामूहिक सहायता समिति के सचिव जो हैं इन सब लोगों ने विधिक सहायता शिविर भी लगाया और जेल का भी सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। सर पौधारोपण भी हुआ? हाँ, पौधारोपण मतलब मेन इनका आने का उद्देश्य यही था कि ये जो है विधि का शिविर लगाने ही आए। त्रैमासिक रहता है विधि का, डीजे साहब का, माननीय डीजे साहब का, साथ में नीमच की घटना को देखते हुए जेल की सुरक्षा में और क्या किया जा सकता है उसके संबंध में अवलोकन करने के लिए सभी साथ में आए। सर जेल को दिशा निर्देश भी दिए गए न्यायाधीश महोदय ने? हाँ, आवश्यक ये बाउंड्री वॉल बनाना, फेंसिंग दीवार के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग करना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, इनके लिए निर्देश दिए। कैदियों के लिए कुछ बोले? कैदियों के लिए उनकी समस्याएं सुनी, समस्याएं सुनी, किसी की जमानत में होने के कारण है क्या है तो उनका सब उन्होंने नोट किया, किसी को उपचार की आवश्यकता है तो उनके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। थैंक यू।